दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह आज भी कई सारे सवालों के जवाब साथ में आया हूँ आज के वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है एनएस को लेकर जो एनएस को लेकर ऑथेंटिक अपडेट देता है, आपको सच्ची खबरें आपको देता है। हमारे चैनल पर अलतू फालतू फेक खबरें, बनावटी खबरें आपको नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों यहाँ देखा है एनएस में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके कई सारे जो डाउट होते हैं एनएस को लेकर, और उन सभी डाउट को क्लियर करने वाला कोई होता नहीं है। लेकिन हमारे चैनल के द्वारा कई सारे विद्यार्थियों के डाउट क्लियर किए जाते हैं, कई सारे विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे YouTube की कम्युनिटी में एक पोस्ट किया जाता है, संडे पोस्ट किया जाता है, जिस पर आप ऐसे कई सारे विद्यार्थी पोस्ट करके अपने कमेंट को पोस्ट करके अपने सवाल पूछते हैं, और उन सभी सवालों के जवाबों के साथ में आता हूँ संडे वीडियो में। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो, आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है क्राफ्ट ऑन गेमिंग, इनका सवाल बनता है, सर मैंने ऑनलाइन बुक मंगाई थी जिसमें से 3 बुक आई, 2 बुक नहीं आई, मैं क्या करूं? तो यहाँ देखें, आपने ऑनलाइन बुक्स वगैरह मंगाई है जिसमें से क्या है कि आपको कुछ बुक्स डिलीवर होगी, कुछ नहीं हुई है। तो इसका जो स्टेटस है आप स्टोर लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि स्टोर लॉगिन में आपका जो डैशबोर्ड आएगा तो वहाँ पर बुक्स को लेकर जो वहाँ पर रेफरेंस नंबर दे रखे हैं, ट्रैकिंग नंबर दे रखे हैं, आप उनसे बाकी बुक्स का भी अपना ट्रैक कर सकते हैं कि बाकी बुक्स आपको कब तक मिलेगी या क्यों नहीं मिली। इसके बाद यहाँ पर हमारे पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है खुश बंजारे संधू महेश्वरी, इनका सवाल बनता है, सर 12th के एडमिट कार्ड में 2021-22 लिखा हुआ है, तो रिजल्ट 2022 में ही मिल जाएगा ना? एग्ज़ाम 2 बार में तो नहीं होगा, क्योंकि 10th करने के बाद 1 ईयर का गैप नहीं लिया है। तो यहाँ देखा जाए कि आपने जो है 1 ईयर का गैप नहीं लिया है, आपने जैसे 10th पास करी तो आपने तुरंत अपना 12th क्लास में अपना एडमिशन ले लिया है, लेकिन यहाँ पर गैप तब भी आपको रखना पड़ेगा। लेकिन इस गैप में आप जो है अपने क्लास 12th के कोई 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो फिर आपको बाद में पास होने पर आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं, आपके परसेंटेज आने के चांस बढ़ जाते हैं, आपका जो पढ़ाई को लेकर जो बर्डन होता है वो कुछ हिस्सों में कुछ टाइम में बढ़ जाता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ये है कि 10वीं और 12वीं बीच में जो गैप है 2 साल का, आप उसे काउंट कर लीजिएगा कि अच्छे से वो कम्प्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप विदाउट गैप किए अगर अपना जो 12th कर भी लेते हैं तो हो सकता है फिर आगे चल के कई जगह पे वो वैलिड ना हो, क्योंकि 10th और 12th के बीच में 2 साल गैपिंग चाहिए होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अजय कुमार, इनका सवाल बनता है, हाउ विल द एनओएस बोर्ड एग्ज़ाम इन 2022 बी डिफ़िकल्ट इजी? तो यहाँ देखा जाए, जानना चाहते हैं कि 2022 में जो एग्ज़ाम होगा एनओएस को लेकर वो आसान होगा या मुश्किल होगा। तो फिलहाल देखा जाए एनओएस के जो 2022 में होने वाले एग्ज़ाम को लेकर कुछ कंफर्म नहीं कर सकते उसमें किसी तरह का चेंजेस होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम एक तरह से उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाला जो 2022 का जो एग्ज़ाम हो आसान हो, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हमारी जो ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा जो आने वाला जो 2022 में एग्ज़ाम हो वो हमारा ईजी हो जाए। अदरवाइज़ हमें अपना तब तक अपना सारा कुछ फॉर्मेट वही लेके चलना है जो अब तक चला आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है यश किरिशन, इनका सवाल बनता है, सर Jan-Feb 2022 का आई कार्ड कब तक आएगा? तो यहाँ देखा जाए कि आपने एडमिशन वगैरह लिया है और आपके 2022 में आपके एग्ज़ाम वगैरह है जिसका आईडी कार्ड आपको अभी तक नहीं मिला है, तो सिंपल सा ये बनता है कि आप स्टूडेंट लॉगिन करिए। स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो वहाँ डैशबोर्ड में आपको जो आईडी कार्ड डाउन करने का आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपका रोल नंबर आ चुका है, आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है, तो ऐसे में ऑटोमेटिक वहाँ पर आपका जो आईडी कार्ड है जनरेट हो जाता है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउन करने के बाद उसका कलर प्रिंटर निकालिए, कटिंग कराइए, लेमिनेशन कराइए, आपके पास आपका आईडी कार्ड आपको मिल जाता है। और इस आईडी कार्ड को किसी न किसी अपने ईमेल आईडी वगैरह में या किसी ड्राइव में या कहीं ना कहीं जरूर सेव कर रखिएगा, क्योंकि जो एनएस की वेबसाइट पर जो आईडी कार्ड जनरेट होते हैं तो ये क्या होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं, और हो सकता है कि अपना कुछ टाइम बाद ही वहाँ से हट भी जाए। तो ऐसे में कि अगर आप डाउन कर लेंगे तो ये लाइफ टाइम आपके लिए काम आता रहेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ से हट जाता है, अगर आप मिसप्लेस कर देते हैं तो ऐसे में क्या है कि दोबारा आपको अपना अप्लाई करना पड़ेगा आईडी कार्ड के लिए, तो वैसे में आपको काफ़ी खर्चा भी करना पड़ सकता है। तो सिंपल सा ये कि आप स्टोर लॉगिन करिए, वहाँ पर डैशबोर्ड में आपको जो अपना आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अनुज
संतोरिया, इनका सवाल बनता है सर एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए सिंपल सा अब ये बनता है कि आप एनएस की वेबसाइट विजिट करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको एनएस के वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हिसाब से क्या बनता है, उसकी टाइमिंग वगैरह क्या बनती है, आप इन्हें अच्छे से देख और समझ सकेंगे। अगर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है कैलाश जट, इनका सवाल बनता है सर ट्वेल्थ में याद करने के ट्रिक्स बताइए। तो यहाँ देखा जाए बहुत से विद्यार्थी है जो जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या तरीके अपनाएं या ऐसे क्या ट्रिक्स अपनाएं जो हमें पास कर दे, क्योंकि अब हमारा क्या है कि लगभग 11-12 तारीख से आपके यहाँ पर जो थ्योरी एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, आपका थ्योरी होल टिकट भी आ चुका है, प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुका है, और इतने कम समय में कैसे क्या तैयारी करें। तो यहाँ देखा जाए ट्रिक्स वगैरह देखा जाए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वैसे मिल जाएगी, लेकिन ऐसे कोई अपना कोई जादू की पुड़िया नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और सब कुछ याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना पूरा जो है कि पढ़ना पड़ेगा, आपका जितना भी टाइम बनता है, जितना भी आपके पास टाइम है, उस टाइम का जो पूरा पूरा जो यूज़ है आप उसको अच्छे से जो है कि यूज़ करिए। अपना जो भी पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उनको प्रैक्टिस करिए। आपको हमारे यूट्यूब पर कई सारी आपको वीडियो मिल जाएगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप वहाँ से आप तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, आपके पास होने के चांस पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए ऐसे कोई ट्रिक नहीं है कि जिसको अपना के कुछ 5-10 मिनट में, 1-2 घंटे में आप पूरा 100% अपना पास होने के चांस ले सके, ऐसे कोई ट्रिक्स ऐसी है नहीं। तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है मोहम्मद फेज, तो मोहम्मद फेज इनका सवाल बनता है सर मेरे पास ना TC है ना बर्थ सर्टिफिकेट और मुझे मदर चेंज करवाना है, क्या माँ के बैंक प्रूफ से हो सकता है, बट उस प्रूफ में मेरी माँ और पिता का नाम है, मेरा नहीं, प्लीज़ हेल्प सर। तो यहाँ देखा जाए कि आपका जो क्या है कि अपना मदर नेम आप करेक्शन कराना चाहते हैं, और यहाँ पर मदर नेम का जो करेक्शन होता है उसके लिए सबसे अच्छा तो प्रूफ ये होता है कि आपके पास TC हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई प्रूफ नहीं है तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहले ये करिए कि आपका जो एनएस का जो रीजन सेंटर बनता है, आप अपना आईडी कार्ड लेके, रिजल्ट वगैरह जो भी आपका बनता है वो लेके आप जो अपना रीजनल ऑफिस जाइए और वहाँ जाके अपना पूछिए कि मुझे अपना मदर नेम करेक्शन कराना है और मेरे पास ना तो TC है और ना ही मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मैं कैसे अपना मदर नेम चेंज करा सकता हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ सजेस्ट कर दिया जाए कि आपको एफिडेविट वगैरह बना के शायद आपका जो नेम परेशान हो जाए, या कोई ना कोई आप वहाँ पर आपको दूसरा कोई अल्टरनेट आपको तरीका बता दिया जाएगा जिससे आप अपना जो मदर नेम है अपना करेक्शन कराना चाहे वो हो जाए। तो दोस्तों आज के संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ कि कई सारे विद्यार्थियों को हेल्प भी होगी। तो दोस्तों यहाँ देखे जाए आने वाले हमारे पे एग्जाम है, एग्जाम को लेकर कई सारी हमारी पढ़ाई बनती है जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी सब्जेक्ट बनते हैं तो लगभग सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपको पढ़ाई को लेकर काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों आपके जो भी अपने सवाल होंगे अब हमारी YouTube की कम्युनिटी में नए वाले पोस्ट पे पूछिएगा, पुराने वाले पोस्ट पे मत पूछिएगा। तो नए वाले पोस्ट पे आपके जो भी सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब के साथ में होगा अगले संडे वीडियो में। तो तब तक आप अपने एग्जाम की तैयारी अपने अच्छे से करते रहिए और अपने जो भी डाउट है वो हमसे पूछिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।